तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉग विद अमित में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों आज हम और हमारे दोस्त लोग निकले हैं मनकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यह लालापुर प्रयागराज में पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर के पास। यहाँ पे एक तालाब है और चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ हमको मिले एक शंकर जी, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे हैं, और यहाँ एक बर्ग बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये है दुकान लगी हुई है यहाँ पे, और यहीं पे प्रवेश द्वार है। तो हमने दोस्तों पहले सबसे पहले ले लिया है प्रसाद और जल ले लिए है चढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं मनकेश्वर महादेव मंदिर लालापुर प्रयागराज में अंदर। ये है प्रवेश द्वार, सीढ़ी से हम लोग चलेंगे। देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, तो हम जा रहे हैं दर्शन करने और महादेव को जल चढ़ाने। तो आइए हमारे साथ, आपको भी चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पुजारी द्वारा हमें बहुत ही भव्य लगाया गया त्रिपुंड, जो महादेव का है। आइए, हमने ये लगवा लिया है। लगवाने के बाद हम चलेंगे मंदिर के अंदर। यह मनकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि इसकी खासियत है दोस्तों, ये साल में करीब एक इंच में बढ़ जाते हैं। तो हम ये दर्शन करेंगे, इनकी इसी वजह से भव्यता है। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ को, हर हर महादेव। और यहाँ ये मूर्तियाँ बनी, देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, जो कि सावन का पर्व है। और यह आज का दिन बहुत ही शुभ होता है सावन में महादेव की पूजा करना। तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ रुद्राभिषेक चालू हुआ और भक्त लोग भगवान भोलेनाथ यानी मनकेश्वर महादेव जी का जल के साथ अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ यह खासियत है कि दोस्तों यहाँ हर साल में एक इंच शंकर भगवान बढ़ जाते हैं। तो यह उसके बाद यह माता रानी का मूर्ति है, जो कि यहाँ पे सफाई हो रही है। यह मंदिर का द्वार है जहाँ बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ अग्नि कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। और उसके बाद यह वीर हनुमान जी महाराज जी का भी मंदिर है, देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से। और गणपति बप्पा जी की भी मूर्ति बहुत ही भव्य बनाई गई है, साथ में संतोषी माता, ये देख सकते हैं आप, संतोषी माता भी विराजमान है। अब उसके बाद दोस्तों हम चढ़ेंगे पहाड़ी के ऊपर, जो कि यहाँ से बहुत ही अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, तब भी लोग चढ़े जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आगे जा रहे हैं, हम भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही आराम से चढ़ना होगा। तो देख सकते हैं हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, काफ़ी अच्छा हरा भरा माहौल है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं फोटो सेल्फी लेते। तो ये देख सकते हैं आप, मंदिर का गुंबज बना हुआ है ये, और ये हमारे प्यारे प्यारे बंदर मामा बैठे हुए हैं यहाँ मस्ती करते हुए। ये देखिए दोस्तों, आवाज का नज़ारा बहुत ही अच्छा है दोस्तों, घने घने बादल हैं उस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग घूम चुके हैं, अब घूमने के बाद जा रहे हैं नीचे। सभी दोस्त हमारे नीचे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, उतरने में बड़ी दिक्कत है और बहुत ही भव्य यहाँ नज़ारा दिखा हम लोग को, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ने सेल्फी ली, फोटो ली। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब नीचे उतरने में हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉग विद अमित को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं और यहाँ आ चुके हैं मनकेश्वर महादेव मंदिर, तो वो लोग जरूर हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। तो बाहर आने पर दोस्तों हमें मिला दादा परशुराम के भव्य और दिव्य मूर्ति। तो जो लोग दादा परशुराम को मानते हैं वो भी लिखे जय दादा परशुराम, धन्यवाद। तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं।